हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दास सर। दास सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, राइट। फ्यूचर कंटीन्यूअस के डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस? डिफिनेशन, व्हेन एनी एक्शन विल बी अकरिंग इन फ्यूचर, राइट। कोई भी क्रिया जारी रहेगा उसको व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। फिर इसके रिकॉग्नाइज, राइट। अब इसके रिकॉग्नाइज क्या है? व्हेन When any action will finish with रहेगा रहे रहेगा रहेगी रहेगा रहेगी रहेंगे इज कॉल्ड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, राइट। व्हेन एनी एक्शन विल बी अकरिंग इन फ्यूचर, ये इसके क्या हो गया डेफिनेशन। कोई भी क्रिया जारी रहेगा फ्यूचर में, राइट, उसको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके रिकॉग्नाइज, व्हेन एनी एक्शन विल फिनिश विद रहेगा रहेगी रहेंगे इन हिंदी इज कॉल्ड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, राइट। ये दोनों चीज हो गए। अब इसके स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर होता है इसका, स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल बी भर में आएंगे या बिफोर अदर वर्ड, राइट। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए, राइट। इसके आधार पर हम सेट करना शुरू कर देंगे, राइट। अब इसके टेबल, एक टेबल बना लेना है जिसके माध्यम से सेल और विल आपका डिवाइड हो जाएगा, टेबल के माध्यम से, राइट। आई एंड वी लेता है सेल एंड बाकी यू दे ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, एंड प्लुरल सब्जेक्ट। ये सब क्या लेते हैं, ये लेते हैं विल, राइट, ये सब ले लेगा विल। एग्जाम्पल में जैसे मैं खेलता रहूंगा, सपोज दैट, तो आई शैल बी, आई शैल बी प्लेइंग, राइट।
अब इसका यदि निगेटिव बनाएंगे हल्का सा डिफरेंट नॉट लगा करके बना देना है, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, राइट। यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शैल को पहले लगा देना है, शैल आई बी प्लेइंग, राइट। यदि शैल प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल आई नॉट बी प्लेइंग, राइट। डब्ल्यू एच क्वेश्चन पर बनाना चाहेंगे बहुत आसानी से बन सकता है। इस हिसाब से हम इसको छह भाग में बना सकते हैं, राइट। जैसे तुम पढ़ते रहोगे, यू विल बी रीडिंग, क्या हो जाएगा, यू विल बी रीडिंग, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल बी रीडिंग, और इसका अफर्मेटिव हो गया, इसका निगेटिव हो जाएगा, यू विल नॉट बी रीडिंग। फिर इसका इंट्रोगेटिव, विल यू बी रीडिंग। फिर इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यू विल नॉट बी रीडिंग। वाई विल यू बी रीडिंग, वाई यू विल नॉट बी रीडिंग। इस हिसाब से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। जैसे वह गाता रहेगा, ही विल बी सिंगिंग, राइट। अब इसको हम निगेटिव बना देंगे तो नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट बी सिंगिंग। इंट्रोगेटिव के लिए विल ही बी सिंगिंग, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए विल ही नॉट बी सिंगिंग। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में वाई विल यू बी सिंगिंग, वाई यू विल बी नॉट सिंगिंग। जैसे राधा नाचती रहेगी, तो राधा विल बी डांसिंग, राइट। अब उसका निगेटिव, राधा विल नॉट बी डांसिंग, विल राधा बी डांसिंग, विल राधा नॉट बी डांसिंग, वाई विल राधा बी डांसिंग, वाई विल राधा नॉट बी डांसिंग। इस हिसाब से आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर पर आप छह भाग में तोड़ सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, इस आधार पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का बना सकते हैं। किसी निश्चित समय में कोई क्रिया जारी रहेगा, उसको व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और उसका रिकॉग्नाइज क्या है, व्हेन एनी एक्शन विल फिनिश विद, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेबल के माध्यम से हम अलग कर दिए शैल और विल का, ये हमारा शैल और विल का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का है, फिर निगेटिव बनाया जा सकता है, इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन पे बनाया जा सकता है। जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा, उस हिसाब से हम बनाते चले जाएंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। इस चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, राइट, और सीखते भी रहना है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।